एक लेवल होता है जब मैं खुद से ट्रेन कर लूंगा उसके बाद खुद से ट्रेनिंग नहीं होती यार अब वो सर पे डंडा चाहिए होता है कि भाई कोच है अच्छा। प्रॉपर तब केज वेज भी नहीं होता था चार मैट है दो लोग खड़े कर दिए एक रेफरी खड़ा कर दिए लड़ो जो मेरा ओपोनेंट था वो खुद मेरा दोस्ती था उसके साथ ही मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हमें पता है हमें कुछ दिन बाद लड़ना है

क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है राइट ये है एक मोटिवेशन वीडियो और ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है ये दुनिया में हर एक फाइटर के लिए है जो या कोई ना कोई चीज़ से लड़ रहा है या वो अपने करियर के अंदर स्ट्रगल कर रहा है या लाइफ में कोई ना कोई उसके अंदर एक ऐसा डर है एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो डिमोटिवेटेड रहता है सबसे पहले जो हमारे आज के गेस्ट है वो है मिस्टर पराक्रम डंडोना बताने की जरूरत नहीं है शायद सब लोगों ने देख ही रखा होगा रोडीज़ का कौन फ़ैन नहीं है राइट पर्सनली अगर मैं भी बात करूं तो मैंने भी इस सीज़न का रोडीज पूरा देखा है

Okay. ट्रेनिंग, स्पारिंग, तो तो. तो बाउट्स अगर approx, approx, yeah. तो बाउट्स यानी कॉम्पिटिशन एक्चुअल ओके तो आपने 12 बारह 12 के आसपास नहीं होती सब लोग जानते हैं इट्स नॉट डब्लू बिकॉज ये एक नया स्पोर्ट है राइट right? पर MMA अभी तक जितना हम जानते हैं सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा खेल नहीं है ये क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ तो सर की नाक का बोन भी एक टूटी हुई है जो नाक, मुझे स्टिचेस, कान अभी आपके जो ये स्टिचेस पे आपकी लास्ट फाइट देखी थी तो ये मतलब इतना ज्यादा है आपको अपनी पूरी

तो मैं बचपन में देख रहा था तो मैंने टी वी पर देखना शुरू किया था ठीक है यू एस के तो सारे फैंस ही है ही हैं तो यू देख देख के फॉलो करते थे ये फेवरेट फाइटर है उस टाइम जोन बहुत तगड़ा हाइप पे था अभी भी है कम बैक मार रहा है सो टी वी पे देखते थे यूएससी अब अचानक से मैंने देखा कि यार इंडियन फाइटर्स एक लीग में खेल रहे हैं तो मैं सरप्राइज हो गया था ठीक है मेरे को लगा यार इंडियन फाइटर्स आए हुए हैं टी पे तो मेरे वो एक बड़ा शॉकिंग सा मोमेंट था कि इंडिया में एम एम है मुझे नहीं पता था मैं कह ये तो फाइट कर रहे हैं एम एम की तो मतलब इंडिया में भी एम एम है कुछ आया हुआ है देन आई स्टार्ट माई रिसर्च कि भाई कहाँ पे जिम है एम एम मैं इंडिया में सीख सकता हूँ क्या मुझे इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि क्या मैं इंडिया में एम सीख भी सकता हूँ इंडिया में यहाँ पे एम की जिम है भी या मेरे को एम के नाम पर टाइकॉन्डो करवा देंगे या फिर

और आप मतलब उन्नीस से करें मैं खुद करेंटी एक तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए भाई तो आपने 19 से आपने आपने से ये सोचा और oh. कब किया मैंने जैसे मैंने स्टडी करना शुरू किया कि भाई इंडिया में मैं अपने घर के पास या कहीं पे भी एमएमए जिम्स कौन हुँ. से हैं थोड़ा बहुत स्टडी किया कि कहाँ से मैं सीख सकता हूँ कौन कौन से जिम पॉपुलर है कहाँ के कौन से फाइटर्स उठे हुए हैं तो वहाँ से मेरे को जिम्स मिलने शुरू हुए और आई स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम है

ग्रैपलिंग सो so, आप उसमें चूज कर सकते हो कि आपको स्ट्राइकिंग ज्यादा कम्फर्टेबल है और उस हिसाब से आप अपना जिम सिलेक्ट कर सकते हो अपना डोज okay. कर सकते हो कि हाँ जिम इज नोन फॉर स्ट्राइक इज नोन फॉर ग्रैपलिंग आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आप वहां से शुरुआत करो okay. आप यूट्यूब पे देखे एक हद तक सीख सकते होके okay. एक हद तक सीख सकते हो बट एंड ऑफ द डे आपको एक सर के ऊपर कोच चाहिए ही चाहिए hmm. और आपको ट्रेनिंग टीम चाहिए यू नीड गुड ट्रेनिंग पार्टनर एज वेल मैं एज अ प्रोफेशनल फाइटर एज अ ट्रेनर और इतना कुछ करके भी मेरे सर पे कोई जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक मैं ट्रेन नहीं कर सकता हूँ एक लेवल होता है जब मैं खुद से ट्रेन कर लूंगा उसके बाद खुद से ट्रेनिंग नहीं होती यार अब वो सर पे डंडा चाहिए होता है कि भाई कोच है काफी लोग होते काफी बच्चे होते जो सोचते हैं कि यूट्यूब से सीख कर आए हैं तो एक बहुत अच्छे लेवल पे सीख गए बट ऐसा नहीं होता है आपको रियलिटी चेक मिल जाता है जब आप एक एम जिम में एंटर करते हो ओके okay. सो so, जैसे आपने बताया कि हमें एक डोजो ढूंढना चाहिए सबसे पहले जो भी बिगनर है आपने जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे जैसे इतनी अवेयरनेस थी तो आपको क्या एक वेल रिकोगनाइज बोलूँ या रिकोगनाइज बोलूँ विद फुल एकमेंट्स ऐसा डोजो मिला था जहाँ सारे इक्विपमेंट्स हो या नहीं हमें उस टाइम पे एम एम इतना ग्रोथ नहीं थी एम ए की ग्रोथ इतनी उस टाइम पे थी ही नहीं तो वेल एक जिम

और उसे हमने कहा सिर्फ एक मैट एंड ऑल मैट है बैग है बस इतना है आपके आप ट्रेनर कौन थे उस टाइम पे सर उस टाइम पे मैंने जब जिम ज्वाइन किया था मेरे एक बॉक्सर थे ट्रेनर वो हमें बॉक्सिंग करवा देते थे तो मेरा बेस वहाँ से बॉक्सिंग से स्टार्ट हुआ था ओके okay. एंड फिर हम लोगों ने किक बॉक्सिंग से स्टार्ट किया किक स्टार्ट करी ग्राफ्टिंग में उतना नहीं था मैं उस टाइम पे जब स्टार्ट किया हमारे जो ट्रेनर थे देवर मोर इन स्ट्राइकिंग ओके

तो जैसे आपकी जो वीडियो है रोडीज़ के अंदर भी वायरल है बड़ी जो आप दूसरे को टेक डाउन कर देते हो उठा के तो वो ग्रैपलिंग होता है दैट्स ग्रैपलिंग दैट्स रेसलिंग वो रेसलिंग होता that's है एंड जिजुत्सु अलग चीज हो गई सबमिट करना सबमिट करना बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको तोड़ने की टेक्निक कैसे होती है जैसे जो चोकिंग जिसे चोकिंग तोड़ना दैट्स पाड़ो

बाहर से मतलब बाहर से मतलब आउट ऑफ़ इंडिया यूएस से आ गया कोई fighter, कोई एमएमए एमएमए फाइटर उस टाइम पे थे। तो जो जो इंडियन शुरू ही थी सुपर फाइट लीग एसएफएल ओके ठीक है तो वहां से ये लोग लाते थे फाइटर्स अब्रॉड से और यहाँ पे कम्पीट करवाते थे एक दूसरे से तो जितने भी वो फाइटर्स होते थे उनकी सेमिनार रख दिए क्लासेस रख दिए तो वहां से थोड़ा बहुत MMA के बारे में कंबाइन कैसे करना है मिक्स कैसे करना है तो वो सारी चीजें जाती थी बट हाँ उस टाइम पे मेनली यही होता था, था कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जैसे मेरी एक छे दिन की क्लासेज है हफ्ते में तो मैं चार दिन बॉक्सिंग कर रहा हूँ दो दिन किक्स कर रहा हूँ

इस गोल के साथ अंदर घुसूंगा केज में यार रिंग में अब बॉक्सिंग के रिंग में में से मसल मेमोरी होती है उन्होंने तो से किक निकल गई तो, तो मेरे को ये अंदर से लगता था कि बॉक्सिंग की फाइट में तू किक्स ज्यादा मार रहा है और तुमने तो किक निकाल दी तो तू तेरा तो गया करियर सही बात है और यही चीज मैं आपको बोलूंगा जैसे अभी पराक्रम भाई ने बताया कि एक गोल होना चाहिए राइट 21 एक बुक है प्राक्रम भाई जो हमने पढ़ी है जो हमारे यहाँ फाइनेंस में होती है जिसको बोलते हैं ब्लैक तो okay. so, ब्लैक स्वान मतलब क्या होता है पराक्रम भाई कि इसका माना जाता है कि लाइफ में ना आप अगर एक चीज पे लगे रहोगे तो एक ना एक आपका ना जैकपॉट इवेंट आएगा ही आएगा

हाँ, तो ये ये जो आपने जो चीज आप बोल रहे हो ना नाक्रमा देखो टू ना, आपने ये बुक नहीं पढ़ रखी है बट यही होता है कि जब एक वेटरन बोलता है क्योंकि आपने ये चीजें जी रखी है, है और यही चीजें किताबों में बताई जाती है कि आपने बताया कि वो डूब भी सकते थे पर आपने एक चीज पे लगे रहे एमए और नाउ यू आर युआ में फाइटर अच्छा जैसे आपने बताया कि आपने डोजो ज्वाइन किया एंड ऑल आपने उससे ट्रेनिंग ली अब बात करते हैं

हफ्ते के ले लो छः घंटे हो गए वो छः घंटे मैं एक दिन में गुजारता हूँ तो जब वेनाई स्टार्टेड मैं भाई सुबह आया हूँ मैं अपना रात तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ नई नई चीज़ें कर रहा हूँ या फिर एक ही चीज़ को ड्रिल कर जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ तो वो मैटर कर रहा कहीं ना कहीं कि मैंने कितने आस स्पेंड कर रहे हैं मैथ्स पे लोग एक एक घंटा करते हैं एक एक दिन कर लिया छः घंटे की ट्रेनिंग हो गई हफ्ते की वो छः घंटा मेरा एक दिन में कवर हो रहा तो हफ्ते में पता नहीं कितना कवर हो रहा है मेरा तो मैंने तीन महीने में ही काफी कुछ कवर कर लिया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था स्पोर्ट में क्योंकि मैं घुसा ही उस माइंडसेट के साथ था कि मैं इसमें कम्पीट करूंगा मेरा ये नहीं था कि, कि देखेंगे कैसे है समझेंगे गेम को फिर सोचेंगे नहीं आई वॉज वेरी क्लियर की अच्छा लग रहा है में। मार खाने में मजा आ रहा है मारने में बहुत मजा आ रहा है तो फिर तीन महीने में मैंने अपनी पहली बाउट खेल ली

बहुत लोग ये सोचते हैं जैसे कि क्या होता है बैठा हुआ है तो उसको मारोगे गुस्सा है पर मुझे लगता है कि कोई अगर सामने खड़ा हो जाए तो हर बंदे की अगर आपसे कोई बड़ा बंदा खड़े हो जाए तो उसकी पैनिकिली हो जाती है तो वही जब आपने कहा पहले में डर ही नहीं लगा तो इसका क्रेडिट क्या जाएगा कि आप शुरू से ही बाय बॉन्ड ऐसे थे या फिर आपको डर लगता ही नहीं है या इसका आइडिया मेरे को नहीं है बार -बार बार -बार बार तो बन 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 और आज के टाइम अगर मैं बोलूं आपसे दस गुना बड़ा रेसलर हो जाए फाइटर हो जाए आपको डरने लगेगा फर्क नहीं पड़ेगा क्या होगा हारेंगे या जीतेंगे मारेंगे या साइकोलॉजी ऐसी दिमाग में पूरी दिमाग में वो बैठ गया इतने साल हो गए तो हाँ फर्क नहीं पड़ता तो यानी अगर हम बात करें कि आपकी पहली फाइट तीन महीने बाद है उसके बाद अब जैसे लीग्स होती है पहले आप लीग्स का एक्सप्लेन करिए जैसे किसी बिगनर को ज्वाइन करना है जब वो ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी उसे फाइट चल दी अब कौन सी ऐसी लीग्स है जो इंडिया के अंदर फाइटर्स को रिकोग्शन देती है सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे एमेचोर बाउट से ठीक है अब ये बहुत सवाल आता है हमारे पास कि हम लोग शुरुआत तो कर रहे हैं फाइट में लेकिन कहाँ फाइट करना है हमको सीधा स्टेट खेलना है हमको नेशनल खेलना है इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें देर आर टू लेवल्स वन इज एम एर एंड दी अदर इज प्रोफेशनल लेवल ठीक है एम में आपको अपना करियर खुद बनाना पड़ता है अपना नाम क्रिएट करना पड़ता है इंडस्ट्री में ठीक है जिसपे नेशनल कॉम्पिटिशन भी होता है सी इट्स अ प्राइवेट स्पोर्ट इट्स नॉट अ गवर्नमेंट स्पोर्ट जहाँ पे आपको स्टेट वगैरह या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है या लेवल अप होगा ठीक है आप किसी भी जिम में ट्रेन करके एक नेशनल फाइट भी खेल सकते हो नेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं साल में दो तीन बार होते हैं अलग अलग और एसोसिएशन क्यों होते हैं ठीक है, है अलग अलग है इंडिया में okay. जब आप देखोगे फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल को ऑर्गेनाइज करती है फिर ऐसे एम एचोर टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहां पे जैसे ए हो गया जो अब काफी हाई लेवल पर आ रखा है तो आपको एमेच्योर में अपना करियर बनाना पड़ेगा अपना नाम रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा आपको एमेच्योर में कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन फी भरने पड़ेगी बहुत कम टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आपको कैश प्राइस मिलता है, में 20 है। hmm. तो आपको एक एक फाइट को खेल के ऊपर आना पड़ेगा टू विन दैट टूर्नामेंट ओके ऐसा नहीं है सिंगल फाइट बहुत कम होती है बहुत hmm. कम टूर्नामेंट्स में होती है सिंगल फाइट एंड नेशनल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ एमेचर फाइट तो वहां पे आप नाम बनाओगे अपना तो आपको प्रो लीग से ऑफर आने शुरू होंगे okay. कि आप हमारी लीग में खेलो हम आपको इतना पैसा प्रोवाइड करेंगे ओके okay. तो यू गेट ऑफर्स जब आपने एक एमेचर लीग में या सर्किट में या कंट्री में नाम बना रखा अपना जैसे right okay. अभी आपने बोला कि एमेर वाले को कोई पैसा नहीं मिलेगा राइट तो मोस्टली 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 अगर वो फाइट फाइट में भी लड़ेगा तो उसको कोई पैसा नहीं मिलना यानी अगर मैं आपसे सीधी बात में बोलूं कि और तक एक फाइटर अपना करियर बना करियर बना रहा बना रहा बोलूँ exactly. तो तब तक उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी कुछ नहीं ज्यादा सी कुछ लीग्स है जो दे देती है जैसे? जैसे ना हाँ लेवल के नहीं नॉट हाई लेवल वाले नहीं देंगे लोकल जैसे एरिया में हो गया ऐसे एरिया में हो गए या कोई जिम टू जिम वाले हो गए की जो जीतेगा ये टूर्नामेंट हम उसको दस हजार कैश प्राइज दे 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 मतलब ओके ऐसे ऐसे का बड़ा, बड़ा तो नीचे वाली साइड में जैसे मैंने अपने जिम में कराने आपको अपने एमएमए क्लब में कराने तो यार कोई जीतेगा तो या कुछ तो दे यार कुछ तो दे तो चलो उसको कैश प्राइज दे देते पांच हजार रुपए दे देते जो जीतेगा टूर्नामेंट को क्योंकि जैसे हमने सुना पराक्रम भाई की यार एमएमए फाइटर्स को बहुत अच्छा पैसा मिलता है

काफी ग्रोथ हो चुकी है जो आप फिगर दे रहे हो वो एक अच्छे फाइटर को मिल जाते हैं इनफैक्ट इससे ज्यादा भी अच्छे फाइटर को मिल जाते हैं अच्छा मतलब अच्छा नहीं, नहीं, तो है नहीं आमेशोर में कुछ तो नहीं है आप अपना नाम बना रहे हो आपको जानता कोई नहीं अभी अब एक लीग में आप देख रहे हो 200 फाइटर्स पड़े हुए स्टेडियम में उसमें से दो उठ के आएंगे या मे बी एक ही उठ के आएगा उसमें सेलेक्ट करना होता है

आपको ट्रेनिंग का हाँ जी। आ, फ्री मिल गई कि आप हमारे जिम में में ट्रेन तो कर कर तो कोई ऐसा पैसा नहीं है sure इतना कुछ तो जैसे अब आपसे पूछूं आपने जब अपना क्लियर कर लिया राइट अब आपका जो पहली फाइट थी उसका आपको पहले कितनी पेमेंट मिली थी आ, को मिला था से वन लाख कब मिला

ठीक है तो देखो जैसे मेरे को ये ऑफर आया तने का ठीक है आ, आ। और वैसे हो सकता है दूसरी लीग से आया होता है पचास हजार देंगे हो सकता है एक बाहर की लीग कोई बहुत बड़ी लीग से ऑफर आ गया भाई मैं आपको पांच लाख रुपए दूंगा आप मेरे पास आओ तो नाउ आई गेट टू डिसाइड कि मेरे को कहाँ पे खेलना है उस टाइम पे इंडिया में एक ही लीग थी अभी भी इंडिया में एक ही लीग है प्रो लीग जो करा रही है क्या नाम है मैट्रिक्स फाइट नाइट जय आप बता मैं खेलता तो वहां से आया था एम एफ एन टू में ऑफर आया था मेरे को और मेरे को उठाया था 2018 दो हजार अठारह के नेशनल से, से उठाया था जहां पे मैंने ब्रॉन्ज मारा था अरे वाह हाँ और आपका पहली फाइट का आपको वन लाख था आज के ट्रॉक्स आज के टाइम क्या वो अमाउंट उतनी है या कितनी बढ़ बुढ़ गए बहुत बढ़ गए कितनी हो गई फिर भी अप्रोक्स अगर बोले मैं बताऊंगा तो कितनी हो गई होगी यार एक एवरेज फाइटर को चार पांच तो मिल रहा है एक बिगनर फाइटर को मिल रहा है

कि आपकी जान को क्या खतरा तो तब तक कि आप, आप, नहीं नहीं। आप किसी को मार रहे हो आप खुद मार खा रहे हो जान को खतरा होगा सारे रूल्स के बाद भी बट प्रो लीग में या आप तो एमेचोर में भी पूरा ध्यान रखा जाता है रेफरी है दस रेफरी बाहर क्योंकि मैंने देखा वीडियो में वो एकदम से रोक देते हैं फटाफट से, रोक से। देगा पर और हटाने वक्त एम्बुलेंस हॉस्पिटल डॉक्टर सब आ जाते हैं सब आ चुके तो ऐसा जितना बड़ा नहीं है बट हादसा किसी के साथ भी हो सकता है कोई अगर आप ऐसे हिस्ट्री बताओगे किसी फाइटर के साथ हुआ हो कोई डेडली सीन

आपको उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी शटडाउन हो चुकी है रेफरी आ चुका है रोक चुका है आपको और हिट्स नहीं मिल रहे बॉक्सिंग में ऐसा नहीं है। बॉक्सिंग में आपको हिट मिला कसर घूमा फिर हिट फिर मिला, मिला फिर मिला, मिला फिर मिला फिर मिला तो कंकशन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है एम एम उतनी नहीं है एज कम्पेयर टू तो बॉक्सिंग आई वुड से बट हाँ एम भी ब्रूटल है यार इसमें कट्स

जब आपको रोडीज से ऑफर आया ठीक है क्योंकि हम सारे रोडीज से जानते हैं ये तो स्टोरी आज लोगों ने भी जानी आपकी राइट तो जो आपको रोडीज से ऑफर आया सबसे पहले पहले रोडीज का स्टेप जो होता है जो हमें पता है कि पहले आपको ऑडिशन के लिए जाना होता है और आपको मैंने आपकी वीडियो देखी है आप लाइन से भाग रहे थे वो वीडियो प्ले प्ले हुई हुई थी फाइनल जब फिनाले था तो तो वो वो आप लाइन से भाग रहे थे कितने कंटेस्टेंट होते हैं वो यार मेरे कंटेस्ट मैं जब लाइन में लगा था दिल्ली के ऑडिशंस के लिए तब करीब करीब लड़कों लड़कों की बात करूँ तो 2000 लोग होंगे दो हजार लोग थे दो हजार लड़कों की लड़कों लड़कों डेली ऑडिशन में, में करीब साढ़े छे बजे मैं, मैं लाइन में लग गया था वहाँ पे कुछ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पुराने शो से लोग पहचानने लग गए थे वो पहचानने लग गए की अरे वराक्रम आयोक्रम आया आ जाओ आ जाओ स्टार्टिंग स्टार्टिंग की लाइन में मेरे को घुसा दिया तो okay. चार पांच लोग थे जो जानते थे तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया था तो स्टार्टिंग में ही खड़ा हो गया लकीली किस्मत किस्मत हाँ. फिर वेट करा साढ़े नौ दस बजे गेट्स खुले हम लोग अंदर भागे जी डी वन अपना जी डी वन इज पहला स्टेप हाँ, जी डी वन होता है पहली बात हमें ये वर्ड नहीं पता हम तो वहाँ सुनते थे जज बोलते थे जी डी वन में ये हुआ था जी डी टू में जी डी क्या होता है पहले इज ग्रुप डिस्कशन से वो सिलेक्शन आपकी लेते हैं और वो जजेस कौन होता है जजेस होते हैं वो आपके शो वाले ही होते हैं

शो बना रहे हैं तो जैसे जो दो हजार लोग आते हैं पराक्रम भाई तो इतने लोगों को पहली बार इंटरव्यू करना तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता होगा कि फटाफट से लिया और वेरी फास्ट वेरी फास्ट जो बंदा समझ में नहीं आ ऐसे ही बाहर कर बार, दिया बार। बट मौका हर किसी को मिलता है मौका हर किसी को मिलता है मौका एक ही मिलेगा

मेरे को कॉल आया था लेखा सोई हुई थी हाँ, तो हाँ. लेखा को हम लोग शो नहीं था लेखा को कॉल ही नहीं आया अब तक आया नहीं यार मेरे को एक बजे हाँ. कुछ कॉल आ गया अब इसको दो ढाई बजे फिर इसको कॉल आया कन्फर्मेशन कॉल आया आधी रात को कि भाई आप सिलेक्ट हो चुके हो तो 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 डाउट में थे कि यार अब तक कॉल आया नहीं आएगा नहीं आएगा पता नहीं चलो छोड़ो यार क्योंकि मैंने अपना जी डी वन ना बहुत बढ़िया दिया था सो आई वॉज प्रॉन्फिडेंट एंड श्योर किया मेरा तो होना ही होना चाहिए क्योंकि आई किल्ड इट में मैंने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया था तो आई वॉज वेरी श्योर बट कॉल नहीं आया तो कहीं ना कहीं हार्ट सिंक हो रहा था यार पता नहीं और ये अगर ऐसा नहीं चाह रहे तो क्या चाह रहे मुझे नहीं पता <laughs> तो फिर जी डी वन का कॉल आ गया हमें भाई तुम्हें सुबह सुबह आठ बजे पहुंचना है यहाँ पे लोकेशन बता दी थी कोई और लोकेशन पर टाइम भी कोई फिक्स ही नहीं रहता आधी रात को कॉल आधी रात को कॉल आया उनके तो इतने घंटे उनके लिए क्या अगर आपने अच्छा वो कॉल नहीं उठाया होता तो चांस मिस हो सकता था पता नहीं चांस मिस होता नहीं होता बिकॉज मैसेज हम लोगों को आ गया था कि ये टाइम ये लोकेशन है यहाँ पे आपको पहुंचना है तो जिसने कॉल नहीं उठाया होगा तो उसको मैसेज तो आई गया होगा और जो आठ बजे सोया रह गया वो सोया रहेगा उसके तो गई वाट लग जाएगी उसके तो मतलब ये टाइम भी बड़ा प्रेशर का होता है कि ठीक है भाई उठे रहना नींद हाँ, वो होती है अगर आपको उम्मीद है तो बिल्कुल यार हाँ, और आपने पकअप किया कि आपको पक्का हाँ, पता है कि नहीं होने वाला सो हो जाओ तो आपका जी डी वन क्लियर हो गया जी डी टू क्लियर हो गया जी आया ओके okay. जी में अब हमारे पचास लोग तो ये जीडी कितने दिन बाद आता है जीडी टू दिन बाद नेक्स्ट डे ही था नेक्स्ट डे हमको सुबह उठ के जाना था वापस जीडी के अब दो हजार लोग थे तो मेरे को लगा पता नहीं यार जी टू के लिए कितने होंगे काफी लोग सिलेक्ट होने चाहिए ना दो हजार से कम से कम हजार तो सिलेक्ट होंगे चलो पांच सौ तो सिलेक्ट होंगे चलो दो तो सिलेक्ट होंगे पचास लोग सिलेक्ट कर से सिर्फ दो हजार सामने बैठे हुए अलग लेवल दिख रहा था दिख रहा था कि भाई आप कहीं पहुंचे तो वहां पे थोड़ी बहुत हालत हुई थी, थी वो और वो, उसमें वो सारे नाम जो रोडीज में गए हैं हैं जो रोडीज में है, जो तो है। रोडीज़ में गए हुए किसी से बात हुई हो कौन था यार हमारे में पी में हमारी हो गई थी ठीक ठाक बातचीत पी में क्योंकि सारे रोडीज इकट्ठे आ गए थे ना जो सिलेक्ट हुए थे

स्टार्टिंग से लगा था कि मेरी वाइब उनसे जर्नी पे क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है, है, है।, है वरना आराम से रहेंगे तो मेरे को उनका वाइब बड़ा पसंद आया था एंड आई वो कि यार मैच होगी कहीं ना कहीं तो अगर अब पी आई में जाएंगे देखेंगे कि इन पर्सन कैसे है तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा

as compared to real मतलब थोड़ा दिमाग से सोचा हां मेरे को था कि या फिजिकली टास्क जो होंगे उसमें प्रिंसर की गैंग काफी अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि वो हर बार हर साल तगड़े तगड़े लोग उठाते हैं हम्म तो मजा आता है उनकी गैंग में मुझे ये था हुँ. कि सेकंड ऑप्शन में ये रखूंगा और प्लस ये भी था कि वाइफ है ना कहीं हमारी भी मैच होगी क्योंकि हुँ. वो भी मौका देते हैं राइट

ज़्यादा मैच हो है, हम इस बार काफी अनएक्सपेक्टेड बंदे जो लोग चाहते थे इस गैंग में जाए वो शिफ्ट होकर ज्यादा अच्छा भी करें तो कुछ नहीं पता था ओके सो जब आपका सिलेक्शन हो गया पूरा राइट देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद अब हमें दिया गया था कुछ कुछ दो हफ्ते का टाइम दिया हुआ था बोला था कि आफ्टर आफ्टर पीआई पीआई दो हफ्ते बाद अभी अच्छा एक और आया था कि हम तुम्हें कॉल करके पीआई में सिलेक्ट हो चुके हैं जो जो लोग सिलेक्ट हो चुके जो नहीं हुए खत्म बाय सिलेक्ट होने के बाद भी बोला था कॉल आएगा कन्फर्मेशन कन्फर्म नहीं है तो हफ्ते दस दिन में तुम्हें कॉल आ जाएगा देन हम तो आपको बताएंगे कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो क्योंकि उनके स्क्रिप्ट के हिसाब से या उनके शो के हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से कलिंग राउंड हो रहा था आफ्टर ऑल द इंटरव्यूज कॉलेज राउंड बेसिकली ये होना था की जितने लोग आपकी टीम में सिलेक्ट हो गए फॉर एग्जाम्पल हर टीम में दस लोग थे और मान लो गौतम सर ने अपर सर ने बारह तेरह लोग उठा लिए तो तीन लोग या चार लोग हटाने उनको अपनी टीम से टू मेक ए टेन तो उनको अब वहां से सिलेक्टेड लोगों में से भी सिलेक्ट करना है कि कौन हमारी टीम आएगा, में आएगा टीम नहीं आएगा तो वहां से तभी हम लोगों को कॉल किया था अभी तुम कंफर्म नहीं हो कन्फर्म होके भी मैं तब तक भी वो एक रहा कि यार अभी भी पक्के हुए या नहीं हुए

Uh, कहीं ऑडिशन सारे खत्म हो गए तो सबसे पहले जो ये टास्क होते हैं जो हम देखते हैं और क्या कोई क्रू करके दिखाता है ये आपको बताता है टास्क करना है राइट क्योंकि हम रोडिशन तो देखते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं बट करके दिखाने में फर्क होता है तो क्या रहता है इसका बिहाइंड सीन करके देखना दिखाना वो तो एक स्ट्रैटेजी प्लान हो गई तो वो तो हमें नहीं दिखाएंगे करके कि आपको कैसे करना है वो आपका दिमाग है खुद का बट क्रू पूरा चेक करता है टास्क को पहले कि ये पॉसिबल है करना okay. क्या इसके सेफ्टी मेजर्स हमको लेने की जरूरत है हुँ. क्या इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या इसमें से हमको माइनस करना है जो ऑफ okay. कैमरा हो रहा होता है या बिहाइंड सीन्स आप देखोगे जियो सिनेमा पे तो बिहाइंड है कि क्रू तो यानी ये जाते हैं क्योंकि हर एक चीज देखते हैं बहुत सारे टास्क हुए सबसे ज़्यादा जो आपको टफ 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 लगा हो कौन सा सा था फाइनल के अलावा नहीं बोलूंगा आपके लिए खैर फिर भी टू अदर्स थोड़ा गोबर, <laughs> गोबर वाले, वाले टास्क की वाली बात करेंगे यहाँ पे चला देंगे ठीक है वो लाइन सबको फेमस है हमारी तो टैग लाइन ही वही है तू सिो

एज अ फाइटर हमें आदत है मैट्स वैट्स की बेस है हमारे पास खड़े होना है तो हम लोग स्लिप व्लिप नहीं होंगे बट वहाँ पे खड़े होने में कोई बेस नहीं था ठीक है वहाँ पे आपका हाथ फिसल रहा है आपका पैर फिसल रहा है आपका, आपका मुंह गोबर लगी हुई है दिख भी भी आपको आपको आधा रहा और प्लस आपको बॉल बचानी है अपने पास दूसरा बंदा बॉल ना ले जाए तो आई वॉज टेकिंग माई टाइम कि भाई मैं अपना आराम से करूंगा तू मूव करेगा तो मैं बॉल फेंकूंगा क्योंकि मेरे पास तब दिखेगा या नहीं दिखेगा बॉल थी नहीं तो साइड टीवी पे लग रहा था बॉल है मेरे पास लेकिन बॉल थी पीछे

जब राउंड खत्म हुआ ना ब्रेक हुआ पॉज हुआ क्योंकि काफी टाइम लग गया था ना वो मूव कर रहा ना मैं मूव कर रहा हूँ मैं मूव इसलिए नहीं कर रहा ना मेरे पास बॉल है भाई मैं मूव करूंगा इसको बॉल पता चल जाएगी ये फेंक देगा हुँ, हुँ. क्योंकि इसके ज्यादा पास है बॉल बॉल जो दिख नहीं नहीं रही है है मेरे मेरे पास को बहुत एफर्ट डालने पड़ेगी लेने के लिए तो मैं पड़े रहूंगा जो कोई बात नहीं इसको नहीं दिख रही इसको लग रहा है मेरे पास है मैं पढ़े रहता हूँ यहीं पे छोड़ो ओके वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना रहा है रोक देंगे वापस स्टार्ट करवाएंगे वही हुआ तो जैसे राउंड रीसेट हुआ तो गौतम सर मेरे को पंप दे रहे थे कि तू फाइटर है ऊपर से मैं सुन रहा, रहा था देखा था ही मैं था प्राक्रम तू लोगों को ट्रेन करता है इस चीजों में हाउ टू कैच पीपल हाउ टू ट्रेन देम यू यू नो हाउ टू डू इट अभी इसको यहां पे पिट में एमएमए करवाता हूं मैं रुको गौतम सर को उसने बोला था जो कट हो गया था सीन पे अच्छा पहले ये चीज हो रखी है ये हो रखी है जो ब्रेक हुआ था ना कि वापस, बैक हाँ। बैक वापस चले जो अपने पे। तो हाँ पे तब MMA है, ये कर सकता है, है ये। तब उससे हो रहा था को। इसकी ना देखना अभी एमएमए में यहाँ पे निकालता हूँ जो टीवी पे नहीं दिखाया है और शिविर से पूछोगे वो खुद इस पर अग्री करेगा की हाँ ये बोला है क्योंकि टीवी पे तो ऐसा दिखाया था कि भाई साहब शिविर चुप था और आपने बस बोला एक मेरे मैं अभी बताऊंगा ठीक है मैं बोल के नहीं बताऊंगा मैं करके दिखाऊंगा और जब आपने किया तभी तो बोले, तो आप बोले किया तो मैंने, लेता। लेता। मैंने, बोला।, तो तू मैं मैं। मैंने बोला तू सिखाएगा मैं मैंने ऐसा क्यों बोला तू सिखाएगा क्योंकि उसने ऐसा बोला था जो टीवी पे कट हुआ मेरे को बड़ा बुरा लगा कि टीवी पे दिखाना चाहिए ताकि लोग रिलेट कर पाते मैंने बोला तो ऐसा बोला क्यों तो ये था मेरा रीजन बोलने का कि तू सिखाएगा मैं चुपचाप बैठा <laughs> बैठा ही रहा था <laughs> वो तो एपिक था यार वो तो हमने शॉर्ट्स में देखा है अपने और वो सब, तो सबसे तो सबसे फेवरेट आपका गोबर वाला टास्क था राइट गोबर और वो बॉल को धक्के देने वाला बॉल, उसमें बॉल जान लगी थी काफी और उसमें तो आपका बहुत अच्छा रेजिंग भी रहा था क्योंकि आप वो टास्क आप जीते थे वो टास्क में मजा आया था ये दो टास्क करने में मतलब फन था फील थी थोड़ा टफ थे तफ थे। तफ अच्छा थे। एक टास्क मुझे ऐसा लगा था जो मैंने देखा जो टास्क था जब आप पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे, राइट? हाँ। आपके साथ सचन। सचन था, हाँ। तो था आप हाँ। ज्यादा तो थोड़ी थकान हो रही थी एंड ऑल और वो वाला टास्क आपके लिए टफ था सा मतलब दिया गया था पत्थर उठाने के लिए हाँ मैंने देखा दोनों को इक्वल इक्वल पत्थर दे रखे हमें थोड़े

ये दिखाया नहीं वो, है ना। वो दिखाया नहीं वो आप ऑफ कैमरा हुआ था वो दिखाएंगे भी नहीं क्या मतलब आपने पत्थर पहले ही अपने पत्थर मैंने उसके अपने पास डाल दिया दे तू देखता रहे मैं पीछे आराम आराम से कैरी करता हुआ आ जाऊंगा मैं वेट उठा लूंगा और ये एज अ व्यूअर पता है क्या लगता है

उस सांस में क्या हुआ आपने लास्ट तक ना इतनी सी रह गई थी हा, हा, मतलब हल्की सी शायद सांस लेते ना वो छूट हा, जाती हाँ तो पहले तो उसके लिए बड़ा सैल्यूट है भाई कि लास्ट सकती है और मैं देख रहा था यार छूटी तो नहीं छूटी तो नहीं काश ना ही छूटे वो पूरी छूटी भी नहीं थी वो आधी ऐसे जिस साइड पे पत्थर ज्यादा थे ना उस साइड पे बाल्टी ऐसे हो गई थी तो एक जगह से उठी हुई है और और एक, एक जगह थी और वो तभी तो बंद रोकी ने कि मैंने पास से देख लिया क्योंकि मेरे को यहाँ से देख रहा है कि उठी हुई है हाँ तो मैं और सर उठी हुई है हमको क्यों रुकवा दिया उठी हुई थी बाल्टी उन्होंने कहा कि ऐसे हो गई थी वो बाल्टी पत्थर एक साइड पे आ गए थे कि वो टच हो चुकी है तो बिल्कुल होगा ऐसा इसका रीजन कहीं ना कहीं गैंग लीडर्स का है डेफिनेटली है डेफिनेटली है। क्योंकि को इस में हराना तो मुझे नहीं लगता कोई हरा सकता है। क्योंकि मैंने मेरी पार्टी में पत्थर बहुत पहले भर गए थे हाँ। इस सास हाँ, हाँ। के अंदर प्रिंसर ने खुद परफॉर्म किया था वो खुद भागे थे तो क्या इसमें ऑप्शन दिया गया था कि गैंग लीडर खुद भी जा सकता है ऑप्शन दिया गया था कि यू कैन परफॉर्म आपको बेसिकली परफॉर्म करना है जिसमें बास्केट थ्रो करनी आपको आपका वो वाला जैसे गौतम भाई ने बास्केट रिया मैम ने भी, रिया ने भी रिया किया तो प्रिंसर ने कहा क्या मैं जाके पत्थर ला सकता हूँ तो वो वाला करना है थोड़ा वो वाला पर उनको भी थोड़ा सांस चढ़ सा उनके पानी ठंडा है अब मैं तो की बहुत ज्यादा पानी ठंडा था प्लस पत्थर उठा के आप ला रहे हो प्लस पता नहीं कितने राउंड मार रहे हो तो कहीं ना कहीं जैसे गैंग लीडर पे भी दूसरी पे डिपेंड ही होता है कि भाई आप कैसा कर रहे हो जैसे थर्ड आपको पता है तीसरी में क्या हुआ जब पत्थर ही लेट डल रहे थे तो, तो वो बाल्टी ऊपर ही रही और उनकी भी नीचे आ गई थी भाई शिव की भी बाल्टी नीचे ऑलमोस्ट आई थी थर्टी सेकंड में नीचे आ गई थी जो मैं कितने मिनट मिनट से से पकड़ पकड़ के के बैठे थे तो तो फर्क वो रहा था ओके okay, जब अब ये टास्क हो गए अब सारा फिनाले टास्क टेटिंग देखो मैं एज अ व्यूअर बताऊंगा मेरे को थोड़ा फिनाले टास्क मैं बोलूंगा इस पे मुझे थोड़ा बायस लगा ठीक है मुझे लगा एज अर हम कंडेस्टेंट नहीं है तो हम व्यूअर हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है मुझे थोड़ा बायस लगा क्यों बायस लगा क्योंकि वो जो टास्क था ना उसका कोई सेंस ही नहीं था यार फिनाले टास्क में ना बड़े एक्साइटमेंट होती है कि भाई ऐसा टास्क होगा कोई बहुत ज्यादा रेजिंग बड़ा टास्क वाला बड़ा कूदेंगे वूदेंगे तो बिल्कुल तीर चला रहे हो और ये टास्क तो पहले टास्क में होना चाहिए था वो पहले में भी था वही सेम उन्होंने आखिरी में रिपीट करा है तीन वाला लास्ट पहला था बांध चलाना है पहला टास्क भी हमारा वही था जिसमें और जो ये बॉल वाले कठिन टास्क है जो ये ये कठिन टास्क लास्ट लास्ट में में होना चाहिए था स्टैमिना जिसमें सब लग तो लास्थ रहा लास्थ है। में था ही नहीं सबसे पहले हमने सम्स आपकी मैथ्स खैर बहुत अच्छी है सब जानते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपने वो सम सॉल्व किया है उसमें कितने मिनट लग गए थे आपको सेकंड सॉरी आपने कर लिया था मैंने कर लिया मैं खुद हैरान था कि मैंने कर लिया अगर आप वापस वो फिनाले टास्क देखोगे ना मेरी खुशी थी कि मैंने भाई ये कर लिया है सबसे ज्यादा खुशी हो रही है सॉल्व कर लिया मैं मेरे लिए जी भी आऊँ

तासे, वाला हमें नहीं था। वाला था तो हमें तो बताया नहीं गया था मैथ्स वाला तो खड़े हुए तो बोला की अंदर जाओ ठीक है और दूसरा वो था की वो खोलने, हाँ। को उसमें एवरेज टाइम लगेगा इतना कुछ मैटर नहीं करता स्पीड में क्योंकि सारे वो थे, तीर में में कोई आपके कोई का कुछ काम नहीं 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 है कुछ भी नहीं है है कुछ कुछ भी मतलब सब नहीं था जो तो था कि कि मैं हैरान था भाई मेरा लॉक एक ही बारे में खुल गया तो तीर हुँ. मिल गए बट मैंने एक्सपेक्ट किया था फिनाले क्योंकि जो हमने टास्क देखा था जो मैंने परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि गया

प्लस और इसमें जो तीनों टास्क थे वो तीनों टास्क में इंड्योरेंस का कोई काम नहीं था स्टेमिना का नहीं था नहीं ना फिटनेस ही थी तो यार ऐसा क्या हो गया हम बायस इसलिए कह रहे हैं कि इतने टास्क तो आपने करा लिए स्टेमिना इंड्योरेंस वाले ठीक है भाई अभी तो चलो देखते हैं किसमें कितनी शक्ति है और अब आखिरी टास्क वही आ गए जिसके अंदर गांठे खोलनी है ये क्या हो रहा है यार तीर तीर चलाना कौन सा फाइनल टास्क होता है और वो भी रावण के मुंह पे डालना क्या होगा रावण से मुंह पे डालते हुए दशहरा थोड़ी चल रहा है

क्योंकि वो टास्क जब क्रू ने परफॉर्म किया तो वो नहीं कर पाया कोई अच्छा क्या था वो टास्क वो था कि जब हम लोग ट्रक से वो नॉक खोल के ऊपर आ जाएंगे तो okay. एक ट्रक के पैरेलल एक ट्रक चलेगा बीच में एक ब्रिज या प्लैंक है वहां पे आपको प्लैंक के बीच में खड़ा होना हार्नेस वगैरह सब होगा और आपको गुलेल से एम करना है कुछ टारगेट्स पे पांच छह टारगेट्स करने टू कट योर टाइम ओके हर टारगेट पे आपको माइनस टेन होंगे ऐसा कुछ था एक्सप्लेन हमें ढंग से नहीं करा गया क्योंकि वो कट ही हो, हो गया वो का कि ये वाला पार्ट हम लोग हटा ही रहे तो आपको सीधा नॉट्स खोलने और तीर मारनी है आपका टास्क खत्म तो जो हो गया। सबसे ज्यादा आपको तीनों पार्ट्स में टाइम लगा वो शायद आ, तीनों में से में से सब सबसे ज्यादा आप ही लास्ट आए और फिर तीर वाले ना कहीं मेरे को टाइम लगा मेरे नॉट्स टाइट थे भाई बाकी उन्होंने नॉट्स ऐसे खोल दिए आपके नॉट्स टाइट थे मतलब आपके ज़्यादा थे आप ये को तो फील हुआ कि टाइट है मतलब जैसे मैंने देखा ना मैंने उस टाइम तो किसी का टास्क नहीं देखा मैंने जब इनका देखा तो ये ऐसे खुल रहे थे जितना टाइम मैंने लिए लगेगा इसके तो इतनी बड़ी चेक नहीं करती क्या हुआ मेरे को तो भाई मेरा तो काफी दो तीन नॉट थे तो मेरे को एक नॉट खोलना पड़ा फिर दूसरा नॉट खोलना पड़ा फिर तीसरा नॉट खोलना पड़ा तब जाके मेरा हाथ फ्री हुआ ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था आई एम हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर की मेरा हाथ पॉम ऐसे हिलाने पे नहीं निकल सकता भी नहीं कर सकता इतना टाइट तो मेरा था ही था फॉर श्योर sure. अब उनका खुल गया चलो ठीक है किस्मत कह लो या जो मर्जी कह लो पता नहीं या या मे मे बी बी पता नहीं जो भी बी बी मे नॉट तो वो वहां पे मेरे को टाइम लगा नॉट्स खोलने में क्योंकि टाइट थे कैराबीना मेरा अटक गया था एक ठीक है कैराबीना फॉर श्योर मेरा अटका हुआ था अब वो किस्मत मान लूंगा मैं कि यार कैराबीना अटका हुआ नहीं खुल रहा जैसे मैं तो बोलूं कि मैं तो स्पेक्टेटर हूँ मैं तो पे बोल सकता हूँ मुझे ऐसा बायस लगा मैं व्यूअर हूँ भाई मेरा फर्क नहीं पड़ता रोडीज मुझे क्या कहेगा <laughs> मैं तो व्यूअर हूँ मेरे को तो बायस ही लगा ठीक है क्योंकि हम यू जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें गोबर वाले टास्क में दूसरा बंदा लग रहा था कि वो वीक है अब आपने जो चीज़ बताई तो हम तो देख रहे हैं तो हमें तो बायस बायसडी लगेगा यार आपने यही टास्क लास्ट में क्यों दिया और लास्ट में ही क्यों नहीं दिया लास्ट में क्यों दिया पहले में दे देते या बीच में दे देते तो मुझे लगता है शायद जो क्योंकि रोडीज में जब भी कोई विनर बनता है ना वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड बनता है सोच ही नहीं सकते कि ये बनेगा तभी आप वहां बैठने लगा सकते हैं कि ये जीतेगा राइट राइट मेक सेंस जैसे जो अभी विनर बना राइट right, मैं वो नहीं बोल रहा ऑब्वियसली टैलेंटेड बंदे हैं बट फिर भी सो कभी वो लिस्ट में ही नहीं थे कि यार वो बंदा भी जीतेगा ट्रू hmm. और मुझे लगता है ऐसा कि शायद कई बंदों के साथ थोड़ा टास्क कंफर्टेबल के हिसाब से बनाया गया था ये मेरी वो है लाइक ये मेरा व्यू है राइट बाकी आपका मे भी और मे बी नॉट होगा हो हो सकता सकता है, सकता है इस पे और अब जब का ये पूरा हो गया था जब थोड़ा सा आपको पता लगा से, लग से आप नहीं, बिल्कुल आपने बोला कि आई वॉज नॉट पता है टाइम लिया है और इनके कॉन्फिडेंस से लग रहा है जब ये लोग बैठे हुए खड़े हुए मेरे सामने कि हमने तो पांच सेकंड में खोल दिया

फिर उन्होंने वापस नीचे करवाया डॉक्टर डॉक्टर आया चेकबैक करा कह रहे रुक जाओ अभी रुक जाओ ब्रेक लो मैं कोई बात नहीं ब्रेक व्रेक नहीं इसको खत्म करते इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा थोड़ी सी जली हुई थी ऑइंटमेंट लगाई सही हो गया उसके बाद सेकेंड वाले में लग गया मैंने उतना ज्यादा पुल नहीं किया एम भी लग गया वो पहले में भी लग जाता तो क्या होता पाँच दस सेकंड पहले हो जाता दस सेकंड पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इतना ऐसा एक मिनट डेढ़ मिनट का डिफरेंस आता है मेरे पूरे टास्क में तो मेरे को मैच में और वो नॉट खोलने में ही ज्यादा टाइम लगा होगा फिर और अगर मैं आपसे कि अगर आपको इसके अलावा चलिए कोई, कोई को को इशू नहीं है और जब ये आपका रूढ़ी इसका पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या था लास्ट मतलब सब अपने घर गए या फिर कोई आफ्टर पार्टी या कुछ की आफ्टर पार्टी बोला था हुई नहीं हम लोग टेंट में बैठ के थे

नहीं पसंद करा ऑडियंस ने तो आपको ब्रांड्स कैसे अप्रोच करेंगे hmm. तो ये भी तो यानी अगर आप एडवाइस देना चाहो कि किसी को रोडीज पे आना है तो वो क्या सिर्फ रोडीज का शो जीतने के लिए है या अपनी वो पर्सनालिटी पे फोकस करो अपनी पर्सनालिटी पे भी फोकस करो जीतने की लालच पे मत आओ काफी ऐसे विनर्स भी है जो शो जीते हैं लेकिन तुम्हें याद भी नहीं होगा कौन है और कहा और उसी शो के उसी सीजन के काफी ऐसे लोग भी जिनको तुम अभी भी जानते हो और जो जीते भी नहीं है जो भी नहीं, नहीं है exactly. तो उनकी जगह से है सही बात है